हुकूमत ने इतनी एक गंदी हरकत की है, मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर बाद में तबसरा भी करता हूँ। ये ज़रा देखें, ये स्टेडियम के लिए चंद माह में नई आस्ट्रोटर्फ आ जाएगी। ये सियासी तमाशे के लिए करोड़ों की आस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी। मैं इस वजह से इस हकूमत से को जो है ना बहुत बुरा भला कहना चाहता हूँ। और भाई करोड़ों रुपए की आस्ट्रोटर्फ जो हॉकी ग्राउंड में बनाई गई थी इमरान खान के जलसे के लिए, इन्होंने वो उखेड़ दी है कि वहाँ इमरान ने जलसा करना है। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है, यकीन करो मुझे गुस्सा भी आ रहा है। जलसा ज़रूरी है कि आस्ट्रोटर्फ बिछा दिए और आप मज़े से कह रहे हैं कि नई आस्ट्रोटर्फ आ जाएगी। तुम्हारे बाप का ये पैसा है कि नई आस्ट्रोटर्फ आ जाएगी? और ये कोई लाख रुपए की चीज़ नहीं, करोड़ों रुपए इसके ऊपर लगते हैं, कम से कम 15-20 करोड़ रुपए का ये जो इन्होंने ये कर दिया है एक जलसा करने के लिए लाडले का, बजाय ये कि जलसे के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। वाह भाई राणा सनाउल्ला, वाह तेरा ही कमाल है जो तूने ये कर दिया। इसके पैसे अब तेरी जेब से जाने चाहिए मेरे ख्याल है। इन्होंने हद कर दी है यार, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में आप घूम के देख लें, खुदा की कसम आपको कोई ऐसा चबल बंदा नहीं। ये इमरान खान की तकरीरों से, पागल खान की तकरीरों से मुतासर होके इन्होंने वो जलसे की जगह दे दी है कि शुक्र है जी उसने स्टेडियम के अंदर किया है, वरना उन्होंने धमकी दी थी कि हम बाहर कर देंगे। यार कितनी डरपोक हुकूमत है, ये कितनी डरपोक हुकूमत है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे इस चीज़ का कितना अफसोस हो रहा है कि हॉकी स्टेडियम इन्होंने सारा उखेड़ दिया है कि वहाँ इमरान खान जी परसों जलसा कर रहे हैं 13 तारीख को। बहुत अफसोस की बात है, रियली बहुत दुख की बात है, आपको भी ये अफसोस हो रहा होगा। चलो जी आगे आए जी, आगे खबरें बहुत ज़्यादा हैं। आगे की खबर ये है कि जनाब वो जो है ना उसे क्या कहते हैं हमारा ये शबाज गिल, उसने जनाब उससे मोबाइल बरामद हो गया है। तो अभी खबरें ये आ रही हैं, अफवाहें वाली खबरें हैं कि उसने वादा माफ़ गवाह बनने का कह दिया है कि मैं जी आपको सब कुछ बताता हूँ कि ये किसने मुझे कहा था, कब कहा था, और वो मोबाइल भी उसने बरामद करवा दिया है। अब कल उसकी बरामदगी के बाद जनाब आएंगे और ज़मानत का होगा। अभी तो हम ये सुन रहे थे कि जी कोर्ट मार्शल भी होने वाला है, आर्मी ने कहा जी इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लाए, क्योंकि दो चीज़ें इकट्ठी हो गई। एक तो लसबेला वाला वो वाकया, लसबेला वाला ये सीधा सीधा डायरेक्ट फौज को किया, इसमें कोई नून लीग का पीपल्स पार्टी का कोई नहीं है। लसबेला वाले हेलीकॉप्टर हादसे में इन्होंने जो मजाक उड़ाया है ख़ानदानों का, तौबा तौबा यार, ये कैसे दरिंदे इंसान है, ये कैसे लोग हैं। इसके अंदर मुझे लगता है कि जनाब रा और ये सारी एजेंसियाँ इकट्ठी हो गई हैं इमरान खान के पीछे, और उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो दूसरा इन्होंने ये जो फौजियों को बगावत करने का ये किया है, इसका सारा कच्चा चट्ठा निकलेगा। अब इमरान माही बेआब की तरह तड़प रहा है। एक तो उसको माही बेआब की तरह इसलिए तड़प रहा है, बगैर मछली के जो पानी होती है ना उसे माही बेआब कहते हैं, माही मछली को कहते हैं ना, बेआब बगैर पानी के माही बेआब। तो ये इमरान इसलिए तड़प रहा है, एक तो वो हुकूमत में नहीं है, दूसरा वो उसके ऊपर घेरा तंग हो गया, सारा घेरा तंग हो गया, सब जो है ना वो मान रहे हैं, इसलिए इमरान को समझ नहीं आ रही। कल जो इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तजादात का मजमूआ है। वो एक टीवी एंकर कहता है ना, ये तो आपका खुला तजाद है, ये तजादात का मजमूआ है। कभी वो कह रहा है कि मैं मशरिकी पाकिस्तान वाले हालात पैदा हो रहे हैं और मैं आ गया हूँ, फिर वो कह रहा है जी कि ये जो अपोजिशन वाले हैं ये मुझे फ़ौज के साथ लड़ाना चाहते हैं, ये आ गया है। फिर कमर जावेद बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि तोशाखाना के गिफ्ट तो तुम भी लेते रहे हो, ठीक है। तो ये तजादात का मजमूआ है। अब वो कहते हैं ना फबोहे तल्लज़ी कफर, कि उस जो होता है कफर उसको समझ नहीं आती कि वो क्या, वो बिफर जाता है, वो बहतर जाता है, वो उसको जो भी आप कह लें। तो ये सारे हालात पैदा हो गए हैं। शेख रशीद का भी यही पता चला था कि रात को वो लाल हवेली में नहीं सोया और वो इधर उधर भाग रहा है, और भी लोग सारे भाग रहे हैं।
तो इनको इनको सर जी जो जिनकी नीयत बद होती है ना, बद नीयत, वो लाजमी गड़े में खोदता है, वो गिरता है, गड़े में गिरता है। जो जो अपना किसी के लिए गड़ा खोता है, टिट फॉर टैट, ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इमरान खान ने ये तमाशा लगाया 4 साल तक फौज को अपने साथ मिला के, और नवाज शरीफ चूंकि उसको इक्तदार से ज़बरदस्ती निकाला गया था, उसने जो बातें की हैं तो इमरान ने उसका एक्सप्लाइट किया है। और काम काम इमरान का कोई ऐसा नहीं है कि वो बताए कि मैंने ये काम किया है, ये किया है, ये किया है, ठीक है। तो ये हालात हैं, और इस वक्त जो है वो मैं आपको, ये टीवी चैनल भी बंद हो गया है किसी वजह से, ये बंद हो लग रहा है मुझे। तो बहरहाल हालात ये हैं कि इस वक्त गोमगो की कैफियत है। मैं आपको ये कई दफ़ा कह चुका हूँ और इसमें बड़ा वजन है कि इमरान खान को अमन व अमान की हिफाजत के लिए उसको अपने बनीगाला के घर में नज़रबंद कर दिया जाए, कुछ अरसे के लिए सुकून हो जाएगा। पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है, लग रहा है हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है, लेकिन मैंने शहबाज शरीफ को रात को ऐसे कहा था कि लोग बिजली के बिलों से बहुत तंग हैं बिजली के बिल वो नहीं दे सकते। वो घर का किराया बेचारे दाएं बाएं इधर उधर होके दे रहे हैं, लेकिन बिजली के, वो कहते हैं ना गर्मी से ही कलाम में, लेकिन न इस कदर कि जिससे बात की शिकायत ज़रूर की, गर्मी से ही कलाम में लेकिन न इस कदर कि बात जिससे हमने शिकायत ज़रूर की। इस तरह का वो है कि हर बंदा शिकायत कर रहा है बिजली के हवाले से, हर बंदा, अमीर भी गरीब भी। कल मैंने एक अपने दोस्त को फ़ोन किया, वो कहने लगे जी मुझे कहने लगे भाई मुनसिफ तेरा कितना बिल आया बिजली का, मैंने कहा 54,000 आया, 54,000 रुपया, कहते मेरा 1,00,000 रुपया आया। तो वो बात ये है कि ये हर बंदा परेशान है। कल मुझे एक वो मेरे दोस्त मिले हैं, वो फैक्ट्री ओनर हैं, मिलते हैं रोज़ भी मिलते हैं, वो कहने लगे सर जी पाकिस्तान से हम जो है ना ये फैक्ट्रियाँ वगैरह ये सारी बंद हो रही हैं, फॉरेन की कंपनियाँ जा रही हैं, बाहर से कोई सरमाया नहीं आ रहा, तो ये इन हालात में जो है ना हालात बहुत बुरे हैं। उसकी वजह कि हकूमत ने सारा कुछ करना होता है ना भाई, घर का मैं सरबराह हूँ, अगर मैं बीमार पड़ जाऊँगा, बुखार हो जाएगा, मेरी टांग टूट जाएगी खुदा न खास्ता, मुझे और कोई तकलीफ हो जाएगी, तो कमाने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो खर्चे तो हैं, खर्चे तो बच्चों ने खाना भी खाना है, घर में बिजली का बिल भी आना है, गैस का बिल भी आना है, सारी चीज़ें आनी है। तो जो हुकूमत होती है ना, ये घर का सरबराह होता है, मुल्क का सरबराह होता है, इसने पूरे मुल्क को चलाना होता है। तो अगर वो ही ठीक नहीं होगा तो ये हालात जो है ना वो दिन ब दिन ख़राब ही होंगे, उसकी टांग टूट जाएगी, उसको बुखार हो जाएगा, तो खाने पीने के खराजात वही हैं। तो वो मेरे दोस्त फैक्ट्री ओनर बता रहा था कि जी हमारे हालात इधर बहुत बुरे हो गए हैं, हम वो मजबूर हो गए हैं अपना स्टाफ शार्ट करने पे, रिड्यूस करने पे, और बेरोज़गारी बढ़ रही है, और ये वो, हालांकि अभी अभी कुछ दिनों से ही आप देख रहे हैं 10-12 दिनों से कि डॉलर नीचे आ रहे हैं, और बैनुल्अक्वामी तौर पे पेट्रोल वगैरह की कीमतों में भी कमी हो रही है। तो हालात लग रहा है बाज़ार के कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन इसके लिए मजबूत हुकूमत चाहिए, मजबूत हुकूमत चाहिए लाजमी। ये हुकूमत भी कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकती कि वो, वैसे मैं इनको आज मशवरा देता हूँ, ये दो चीज़ें उठा देना, शायद थोड़ा सा सुकून आ जाए, शायद, ये मैं मशवरा देता हूँ, आखिर में देता हूँ। तो इनको चाहिए कि ये बड़े काम करें, बड़े काम इसलिए नहीं हुकूमत ये कर रही शहबाज हुकूमत कि ये एक वोट की अक्सरियत पे खड़ी है, एक पैर ते खलोती है इंज करके ना, एक पैर ते खलोती है तो एक पैर ते बंदा थक नहीं जाता, वो यही हालत इसकी हुई हुई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये दो काम कौन से करें तो हो सकता है थोड़ा सा सुकून सियासी हो जाए। एक तो ये कि ये इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, ये अनाउंस कर दें कि इलेक्शन 31 अगस्त 2023 में होंगे। या कल एक बंदा कह रहा था जी अक्टूबर इनकी ड्यू डेट बनती है, 31 तक ये हुकूमत करेंगे, उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी, तो अक्टूबर की या अगस्त 2023 की डेट अनाउंस कर दो। आप यकीन करें आपको, अपोजिशन को भी सुकून मिल जाएगा और काफ़ी हद तक जो है ना ये चीज़ आपके कंट्रोल में हो जाएगी, ठीक है। ये लाजमी करें, आप ये लाजमी करें।
दूसरा ये कि इनको सुकून दिलाने के लिए इमरान एंड कंपनी को कि इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं। अब इनके जेहन में है कि हम किसी वक्त भी वापस आ सकते हैं। नहीं भाई, जब उन्होंने दे दिए हैं, वो बार बार कह रहे हैं, तो हम आपको बार बार कह रहे हैं, इसमें क्या मसलियत है, इसमें क्या मसलियत है, कोई आप समझा सकते हैं? नहीं ना समझा सकते। तो बराए मेहरबानी ये इनका जो है ना वो ये वाला इस्तीफे मंजूर करें ताकि सियासी इस्तेकाम आए। सियासी इस्तेकाम इसी चीज़ से आएगा कि आप इलेक्शन की डेट है, ताकि वो बार बार ये ना कहें जी इलेक्शन कराओ, उनको सब्र सुकून आ जाए। ठीक है, इंतकामी सियासत से आगे। इमरान खान रोड़े अटका रहे हैं ना, आप रोड़ों को क्रॉस करें। जैसे रात को मैंने कहा था कि नवाज शरीफ के दौर में रोड़े अटकाए गए, लेकिन वो काम आगे बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, और गरीबों के लिए कुछ उनको रिलीफ दें, उनको रिलीफ पैकेज दें, जो चीज़ें सस्ती हो रही हैं वो लाजमी दें। और ये मज़ा तब होता है जैसे आज पेट्रोल की कीमत कम हुई है ना, आज ही आप पेट्रोल सस्ता कर दें, आप 15 दिन का इंतज़ार ना करें। ठीक है, तो ये हुकूमत जो है ये हमें लग रहा है कि कुछ हो रहा है। तो बाकी जो है इनको IMF के अभी डॉलर भी नहीं मिल रहे, अभी सऊदी से भी नहीं मिल रहे, अभी चाइना से भी नहीं मिल रहे, तो इस चीज़ को भी ये स्पीड अप करें, अपने काम की तरफ तवज्जो दें, अपने काम की तरफ तवज्जो दें, इस्तीफे मंजूर करें और जो इलेक्शन की डेट है वो अनाउंस करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।